नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हमारी जो क्लास होने जा रही है ग्रेड साइंस की, उसमें हम पढ़ेंगे आपके भोजन के प्रमुख अवयव जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स के बारे में। जो क्लास का हमारा शेड्यूल है, वो क्लास का शेड्यूल है कि जो 12th बायोलॉजी क्लास होती है वो होती 4 बजे, राजस्थान जीके क्लास 5 बजे से, ग्रेड साइंस क्लास 6 बजे से, और जो 10th साइंस क्लास होती है वो आपकी 7 बजे से। तो जो भी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आज जो रीड साइंस का टॉपिक है वो है भोजन के प्रमुख अवयव है उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो इनमें रोगों में देखो, सबसे पहले जो आपके प्रमुख अवयव है वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इन्हें सारों के बारे में, आपके इनसे संबंधित होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, किन से प्राप्त होता है और हमारे शरीर में इनका कार्य क्या है वो पढ़ेंगे इन सारों के बारे में, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कार्य के आधार पर भोज्य अवयवों का वर्गीकरण। तो कार्य के आधार पर कोई आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। सेकेंड नंबर क्या है, शरीर निर्माण करने वाले भोजन के अवयव। थर्ड नंबर क्या है, सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। इसमें हो जाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, और इसमें हो जाएंगे विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल। अगला है हमारा, सबसे पहले जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट का। कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी एक क्या आपके कार्बोहाइड्रेट है, जो शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और 1 किलो कैलोरी उष्मा की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे वो क्या कहलाती है, 1 किलो कैलोरी उष्मा कहलाती है, ठीक है, 1 किलो कैलोरी उष्मा कहलाती है। अब ध्यान देना, तो एक ग्लूकोज भी क्या है, एक आपकी कार्बोहाइड्रेट, और इसमें यह भी बात याद रखने लायक है कि जो आपके 1 किलो कैलोरी उष्मा की परिभाषा पूछे तो क्या होगी परिभाषा, 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। अब देखो, 1 किलो कैलोरी जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, 4.18 किलो जूल के बराबर, 4.18 किलो जूल के बराबर। 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, 1/4.10 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी के बराबर। और 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है, 1000 कैलोरी के बराबर होता है। अब नोट पॉइंट क्या लगाया है यहाँ पे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी उष्मा प्राप्त होती है, ध्यान रखना 4 किलो कैलोरी यहाँ पे, ठीक है। और विटामिन सी का निर्माण न्यूक्लिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत से है, और ये सारा किससे प्राप्त होता है आपके 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। अब क्या नोट लगाया है यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज का एक अणु 38 ATP ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP के अणु हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ATP बराबर 34 किलो जूल, ये भी ध्यान रखना। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इस प्रकार कि ग्लूकोज का 1 मोल में कितने अणु होते हैं टोटल आपके 38.34, को इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं आपके 1292। अब देखो अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से, ध्यान रखना। एक तो स्टार्च युक्त, एक है आपके शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त में कौन कौन से, रोटी, चावल, अनाज, आलू, अरबी और केला। जबकि शर्करा युक्त में कौन कौन से हो जाएंगे, गुड़, चीनी, खजूर। शर्करा आपके निम्न प्रकार की होती है, मोनोसेकेराइड और डाईसेकेराइड। मोनोसेकेराइड शहद, मीठे फल जैसे अंगूर में पाई जाती है, जबकि डाईसेकेराइड सुक्रोज, गन्ने व चुकंदर में, ठीक है, सुक्रोज आपके डाईसेकेराइड शर्करा है। फ्रक्टोज शहद व पक्के फलों में होता है। फ्रक्टोज के बारे में पूछे तो ध्यान रखना, शहद व पक्के फलों में होता है, इसे फलों की शर्करा भी कहते हैं, किसको, फ्रक्टोज को। अगला है माल्टोज, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। कौन पाया जाता है आपके, माल्टोज अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, जो भविष्य में ऊर्जा रूप के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखना। हमारे शरीर में जो अतिरिक्त भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। जो भी ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं, ये ध्यान में रखना।
नेक्स्ट टॉपिक है कि सेलुलोज फलों सब्जियों व अनाजों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अब दो नंबर जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा वसा के बारे में कि वसा भी कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की बनी होती है। जल में एक घुलनशील होते हैं वसा, ध्यान है आपको कि जल में एक घुलनशील होती है। ये कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाई जाती है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है और यह शरीर के ऊर्जा के केंद्र के रूप में कहलाती है। तो ध्यान रखना है सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है सबसे पहले तो वसा से, फिर आपको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से। सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। नोट यह है ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। कौन? वसा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। अब देखो पाचन क्रिया के दौरान वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल वसा अम्ल बन जाते हैं। यह प्रक्रिया अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम द्वारा होती है। ठीक है कि लाइपेज मतलब क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। कौन सी ग्रंथि के द्वारा सिक्रेशन किया जाता है? आपके अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। अगला है हाइड्रोजनीकरण। असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन का संकलन करके उसे संतृप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब देखो वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं ये ध्यान में रखना। एक तो वनस्पति से प्राप्त वसा, एक जंतुओं से प्राप्त वसा। अब वसा के कार्य, सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत आहार को रुचिकर बनाती है। वसा होती जो हम भोजन में लेते हैं तो वो उस भोजन को क्या करती है? रुचिकर बनाती है। विटामिन डी व स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायक है। मुख्य अंगों को बाह्य आघातों से बचाती है। अगला हमारा टॉपिक है इनके रोग देखना। यहाँ पे वसा की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे कमी से शरीर में कमजोरी आना। अगर वसा की कमी हो जाती है शरीर में क्या हो जाता है? कमजोरी। और अधिकता हो जाती है शरीर में क्या हो जाता है? मोटापा। मतलब इसका लेवल बराबर होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। और रक्तचाप बढ़ता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी। नोट लगाए क्या? ऊंट के कूबड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है। कूबड़ होता है जो ऊंट के ऊपरी भाग में पाया जाता है, इसमें अधिक मात्रा में क्या होती है? आपकी वसा संचित होती है। इसी कारण वे अधिक दिनों तक भूखा रह सकता है। प्रोटीन शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था? आपके बर्जिलिस ने दिया था। कब दिया था? 1938 में। यह शरीर को नाइट्रोजन प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा समूह रहता है? नाइट्रोजन समूह रहता है प्रोटीन। और प्रोटीन आप किसके बहुलक होते हैं? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। किसके? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तत्वों के बने एमिनो अम्लों के अनुभव से बनते हैं। ठीक है। और प्रोटीन को शरीर के निर्माण की क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। क्योंकि जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? आपके प्रोटीन के। और प्रोटीन का पाचन अमाशय व छोटी आंत में होता है। ये ध्यान में रखना कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? अमाशय और छोटी आंत में। अमाशय के द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जाता है जो एंजाइम आपके रेनिन एंजाइम। कौन सा? रेनिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में पाए जाने वाली एक कैसिन प्रोटीन है, उस कैसिन को किस में कन्वर्ट करता है? आपकी पैरा कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा? रेनिन एंजाइम। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, पहला है क्वाशियोकोर, ये आप ध्यान में रखना। 5-6 माह के बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी से चिड़चिड़ापन हो जाता है, भूख कम लगती है। और एक रोग होता है मैरेस्मस रोग। ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट वसा में प्रोटीन की कमी होने से शरीर कैसा हो जाता है? दुर्बल। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग, क्वाशियोकोर और मैरेस्मस। तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम कल पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।